एक सब्ज़ी शेयर करने आई हूँ, पत्ता गोभी और चना दाल की सब्ज़ी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले चना दाल को मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो के रख दी हूँ आधा घंटे के लिए। अब बंधा गोभी को भी कट कर ली हूँ। भिगो के रखने से चना दाल आपकी सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। और ये प्याज है, हरी मिर्ची है, गरम मसाला जिसमें मैंने तेजपत्ता और लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची भी ली हूँ। तो दोस्तों, आप इसे देखने के लिए लास्ट तक मेरे वीडियो से जुड़े रहें। मैं क्या क्या डालती हूँ आप इसे ध्यान से देखना, ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो सबसे पहले मैं पैन को गैस में चढ़ा दी हूँ और इसमें सरसों तेल यूज कर रही हूँ। तो सरसों तेल से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। सरसों तेल को गर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें आप तेजपत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और छोटी इलायची ऐड करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, गोटा जीरा है, इसे ऐड करूँगी। जीरा डालने से सब्ज़ी और भी टेस्ट बनती है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें प्याज और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसे पूड़ी के साथ, चावल के साथ और रोटी के साथ, पराठा के साथ, जैसे भी खाएं अच्छे लगते हैं, पर मैं इस सब्ज़ी को पूड़ी के साथ ही ज़्यादातर खाती हूँ। पूड़ी के साथ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। तो दोस्तों, बात जब तक आप मसाला नहीं भूनोगे तो सब्ज़ी टेस्ट नहीं आती है, तो भूनना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी। मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ली हूँ बड़े वाले चम्मच से, और इसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाला भूनना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब मसाले भून चुके हैं तब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, आप कितने खाते हो टमाटर उतना यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें 2 टमाटर बड़े बड़े यूज़ की हूँ और इसे भी फ्राई कर रही हूँ। जब टमाटर गल जाए तब इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक स्वाद अनुसार, और धनिया, जीरा और मिर्ची मैं हमेशा मिक्स करके रखती हूँ ये मसाला ऐड की हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार ऐड कर लीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाला बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने चाहिए। मेरी मसाला जो है भून चुकी है। अब इसमें मैं बंधा गोभी ऐड करूँगी। देखिए, ऑयल चारों तरफ से निकल चुकी है, मतलब मेरे मसाले अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैं इसमें बंधा गोभी को डाल के मसाले के साथ मिक्स करूँगी। बंधा गोभी बच्चे लोग खाने नहीं मांगते हैं अभी के मौसम में, तो अगर बंधा गोभी आप लाते हो तो आप चने दाल के साथ बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे पूड़ी के साथ। अब इसमें चना दाल ऐड करूँगी। आप इसे कुकर में भी पका सकते हो, चाहे आप पैन पे भी पका सकते हो, कुकर में भी जल्दी बन जाती है। और मैं तो पैन पे ही पकाती हूँ, मुझे ज़्यादा चना दाल गली अच्छी नहीं लगती है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे पानी ऐड करूँगी और इसे 10 मिनट के लिए पकने दूँगी। 10-15 मिनट पकने के बाद अब इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी। चिकन मसाला मार्केट में अवेलेबल है, मैं एवरेस्ट की चिकन मसाला यूज कर रही हूँ। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो भी आप चिकन मसाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस मसाले में कुछ भी नॉनवेज नहीं डाली होती है, आप इसे यूज कर सकते हो। इसे डालने से सब्ज़ी में और भी टेस्ट आती है, तो आप इसे ज़रूर डालना। अब मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है खाने के लिए, अब मैं इसे परोसूंगी गर्मा गर्म। तो दोस्तों, आपको मेरी सब्ज़ी कैसे लगी तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो बेल आइकन के साथ प्रेस ज़रूर करें।